अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सुपारी बाग का रिव्यू। और काफ़ी औरतें जो ख़वातीन मेरी वीडियोस देख रही होंगी तो वो इस नाम से वाकिफ़ होंगी, क्योंकि ये ख़वातीन के लिए है ख़ास तौर पे। और पहले इसकी पैकिंग वगैरह की बात कर लेते हैं और रिटेल प्राइस की बात कर लेते हैं, फिर इसकी फ़वाद की बात करेंगे। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये करछी की सुपारी पाक है और ये हमदर्द की सुपारी पाक है। और ज़्यादा जो चलने वाली है वो हमदर्द की चलती है, और इसके अलावा करछी की भी चलती है, लेकिन ये बहुत कम चलती है। और इसकी मैं बता दूं आपको कि ये जो है, ये देखें, यहाँ पर 70 ग्राम की है ये पैकिंग, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और लेकिन ये जो है ये 120 ग्राम की है, और ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, यानी कि ये बड़ी डब्बी है। और इसकी रिटेल जो है वो 140 रुपये है, करछी वाली जो है 150 रिटेल है इसकी। और उसके अलावा आपको मैं ये अंदर से ओपन करके दिखा देता हूँ, सील ओपन करके। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये हमदर्द की है सुपारी पाक और ये करछी की है, दोनों देखने में एक जैसी ही हैं। ये मैंने सील ओपन किया, यहाँ पर हमदर्द की सील लगी हुई है, ये करछी की सील लगी हुई है। लेकिन करछी वाली बहुत महंगी है, यानी कि आपको बहुत महंगी पड़ जाती है। 70, एक तो इसका हाफ वेट है करछी, और 150 रिटेल है। वैसे तो हमदर्द की भी ये पुरानी रिटेल है, तो मेरे पास ही पड़ी थी, लेकिन इसकी भी रिटेल अब मेरे ख्याल बढ़ गई है काफ़ी, 200 या उससे भी ऊपर हो गई है हमदर्द की सुपारी पाक की भी। लेकिन फिर भी आपको करछी की बहुत महंगी पड़ जाती है, तो इससे बेहतर है आप हमदर्द की ही परचेज़ करें। और वैसे भी हमदर्द का नाम है, हमदर्द की ज़्यादा बेस्ट होती है सुपारी पाक। अब अगर सुपारी पाक के फ़वाद की बात करते चलें तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके फ़ायदे ख़वातीन से रिलेटेड हैं, तो ये रहम को मजबूत करता है और जो रहम से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल हैं तो उनको ये हल करता है। जैसे कि मैं बताता चलता हूँ कि लकोरिया की प्रॉब्लम आजकल बहुत आम हो गई है, और इससे पहले भी मैं लकोरिया के बारे में काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करके वो आप वीडियोज़ देख भी सकते हैं। तो जिन ख़वातीन को ये लकोरिया का प्रॉब्लम होता है उसको दूर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जिन जो इनका मेंसिस का प्रॉब्लम होता है ख़वातीन को, मतलब कि मेंसिस या तो बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है 10-12 दिन या 15 दिन तक उनके चल रहे होते हैं, तो उससे काफ़ी वीकनेस हो जाती है क्योंकि ब्लड निकलता है काफ़ी, वो उनका जो चेहरे का रंग हो जाता है वो जर्द हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो ये कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है। और साथ ही साथ ये जिंसी अज़ा में नरमी और ढीलेपन को भी कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ ये हमल होने में भी फ़ायदेमंद है। जैसे कि जिन ख़वातीन को लकोरिया की वजह से हमल नहीं ठहर रहा होता, तो इसको इस्तेमाल के बाद उन्हें हमल हो जाता है क्योंकि वो प्रॉब्लम जो लकोरिया का होता है वो दूर हो जाता है। और इसके इस्तेमाल का तरीका मैं बताता चलता हूँ, 2 चम्मच इसकी आपने सुबह निहार मुँह लेनी है और 2 चम्मच शाम में लेनी है, और दूध के साथ लेनी है, 1 कप दूध ले लें, उसके साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। और अगर व्यूअर्स आपने ये परचेज करनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा इसका, मेरी वेबसाइट का, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा, और इसके अलावा भी आपके जितने भी प्रॉब्लम है वो आप मुझसे कांटेक्ट करके और पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर पहले से नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।